एक समय की बात है, एक घने जंगल में सभी जानवर सुख से रहते थे। बंटी खरगोश पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। आह, सब कुछ कितना सुखद और शांत है। ठंडी हरी भरी घास, पेड़ों की छांव और उधर ऊपर नीला आसमान। और अचानक एक अजीब ख्याल उसके दिमाग में आया। अगर आसमान जमीन पर गिर पड़े तो क्या होगा? आह, ये क्या हुआ? मेरा सर दुख रहा है। भगवान, नहीं, आसमान सचमुच गिर रहा है। मुझे किसी सुरक्षित जगह चले जाना चाहिए। और बंडी यह समझता हुआ कि आसमान गिर रहा है, वहां से भाग चला। वह ऊंचे पहाड़ पे चढ़ गया और जोर जोर से आवाज लगाई। भागो भागो, जान बचाओ, अपनी जान बचाओ, आसमान गिर रहा है। और जैसे ही यह खबर जंगल में फैली, जंगल के सब जानवर डर कर जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। भागो भागो, जान बचाओ, अपनी जान बचाओ, आसमान गिर रहा है। शेर सिंह जंगल का राजा उधर से गुजरा और जब उसने जानवरों को डर कर भागते हुए देखा तो वह चौकन्ना हो गया। बंटी, क्या हुआ? ये भागदड़ क्यों? तुम सब कहाँ भागी जा रहे हो? आसमान गिर रहा है, एक टुकड़ा मेरे सर पर भी गिरा है। नामुमकिन, असंभव। आसमान कहाँ गिरा? मुझे अब जगह ले चलो और तुम सब जानवर इस भगदड़ को बंद करो। और वह दोनों चलते चलते, देखिए, मैं यहाँ आराम कर रहा था तब मुझे अचानक सूर की आवाज सुनाई थी और मेरा सर दुखने लगा। तब मुझे पता चला कि आसमान गिर रहा है। ठीक है ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आसमान कभी नहीं गिर सकता है, तुम्हारे सर पर केवल फल गिरा था। दोनों सब जानवरों के पास लौट आए, उन्हें सारी कहानी सुनाई। एक मामूली से फल से तुम सब डर गए? अफवाह पर विश्वास करके तुम लोगों ने अपना कितना नुकसान किया। जानवरों ने चैन की सांस ली और अपने अपने रास्ते चले गए। एक बार फिर जंगल में शांति और खुशहाली लौट आई। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए।